मुझे लगता है इंडियंस यहाँ पे काफी कम आते हैं यार। इनमें भी घंटे का इन्फ्लुएंस होता है, मतलब इनमें भी घंटा होता है बजता है, बना बहुत अमेजिंग होता है। सब सब चाइनीज टेम्पल्स में आपको जो है यही आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। मौसम यहाँ का बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब बैंकॉक की तरह ह्यूमिडिटी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सारे में लश ग्रीन एरिया है, पहाड़ है, वो देखो वो दिख गए पहाड़, वो अरे सामने, आई होप आप लोगों को दिख रहे होंगे, वो देखो पहाड़। तो वेलकम टू अब मनाली या मसूरी कह सकते हो थाईलैंड का, बिकॉज ये नॉर्थ है और अमेजिंग यहाँ पे व्यूज़ मिलेंगे, अमेजिंग वाइब्स हैं। जितना मुझे लगता है इंडियंस यहाँ पे काफ़ी कम आता है, चियांग माई जो कि नॉर्थ में पड़ता है, क्योंकि मैं भी जितने लोगों से मिला हूँ मतलब इंडियंस नहीं आते। तो मैं आप सबसे मतलब आपको रिकमेंड करूँगा, जब भी थाईलैंड आओ तो चियांग माई जरूर आना, बहुत ही अमेजिंग है। तो गाइस फाइनली हम 40 मिनट चलने के बाद, ठीक है, छोटी छोटी गलियों से होते हुए हम आ गए स्टैम्प बैकपैकर्स में। ये रहा हमारा हॉस्टल। इस व्लॉग में आपको चियांग माई का इसका हॉस्टल का टूर करा देता हूँ, ठीक है, और एक दिन है तो लेट्स सी क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं हम, ठीक है। चलिए पहले आपको हॉस्टल का टूर कराता हूँ मैं। ये लिखो मैं पे चियांग माई, जैसे रिसेप्शन, यहाँ से ये एंट्रेंस है अपना, ठीक है, ऊपर चलते हैं। देखो सबसे पहले ऊपर आओगे ना, यहाँ लगेगा पासपोर्ट, तो हमें यहाँ पे उंगली लगानी है, ठीक है, हमें डालना है 1 2 3। हमको जाना है सेकंड फ्लोर पे, जो मेरा हॉस्टल रूम है वो सेकंड फ्लोर पर है। हम घुस जाते हैं अपने रूम में, ठीक है, ऐसे बंद नहीं करता। तो ये है अपना डॉर्म, ठीक है, और दिखाता हूँ, ये है वॉशरूम, और यहाँ आई थिंक कोई नहीं आ रहा, खाली है। ये है अपना वॉशरूम, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ साफ और क्लियर है, बहुत बढ़िया। और यहाँ आ जाते हैं गाइस, ये है अपना बेड, सारा यार सामान बिखरा बिखरा पड़ा है, क्योंकि जो बंदे यहाँ पे रह रहे हैं, 4 बेड्स हैं बेसिकली यहाँ पे। पंखा चल रहा है तो यार तौलिया वालिया सब यहीं सूखता रहता है, जिसका जो मिलता था पूरा मैसी को रखा है। ये है अपना लॉकर, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको एक लॉकर मिलेगा, उधर देखते हैं क्या है। ऐसे कुछ बाकी यहाँ से नज़ारे, सामने लोकल घर बने हुए हैं, ये सामने एक क्लब पब कह सकते हो, कैफे टाइप है, ठीक है। तो गाइस फिलहाल अब ऐसी इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढता हुआ मैं सामने जा रहा था, तो यार गूगल मैप दिखा रहा है 3 मिनट उस तरफ जाना यार, 200-250 मीटर दिखा रहा है, अंदर मेरा हॉस्टल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इंडिश रेस्टोरेंट के नाम से है। कुकुम्बर, व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ दिस, कितने का ये? 30 बात है, 1 किलो 30, 30, ठीक है, तो करीब 60 रुपए किलो खीरा बिक रहा है यहाँ पे। तो अंदर एक काइंड ऑफ है पूरा छोटा लोकल मार्केट। चलिए आगे आगे देखते हैं, पहले कुछ खाने का जुगाड़ देखते हैं यार, जिसके लिए हम मेनली जा रहे हैं। इंडिश रेस्टोरेंट देखना पड़ेगा, ये रहा इंडियन रेस्टोरेंट, दिस इज लेट्स चेक आउट की खुला है कि बंद है। यहाँ पे गणपति बापा की, गणपति बापा मोरिया, यहाँ मंदिर बना हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसे ही रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट तो प्यारा लग रहा है यार, लेट्स गो। खाना आ चुका है, ये है रोटी, थैंक यू, कापन काप, और ये आ गई है दाल। तो भाई ये इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैंने आज का ब्रंच किया है, कॉस्ट पड़ी मुझे 140 बात, करीब 280-290 रुपये, ठीक है यार, एक दिन में तो एटलीस्ट इतना चल सकता है। स्कूटी रेंटल का भी पूछता है यार, हाउ मच द प्राइस, हाउ मच द प्राइस फॉर वन नाइट, इट डिपेंड ऑन वेयर यू वांट टू गो। ओके, तो गाइस फाइनली मैंने स्कूटी रेंट कर लिया है, ठीक है, 540 बाट 3 दिन के लिए मैं देने होंगे। एंड तो चलिए अब चलते हैं, स्कूटी दिखाता हूँ मैं आपको, 80 बाट की डील में ठीक ठाक मिल गई, 2000 बाट इन्होंने लिया है डिपॉजिट, जो है मेरे को वापस कर देंगे जब मैं इनकी स्कूटी वापस करूँगा, श्योर। तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं चियांग माई, लेट्स गो। गाइस स्कूटी रेंट कर ली है, ठीक है, तीनों टेंपल इस पे घूमेंगे, चलिए चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने स्कूटी कर दी है, ठीक है, और ये हेलमेट भी मैं यहीं रख जाता हूँ। ये यहाँ पे पास में एक टेंपल है वाट व्यांग चान करके, ठीक है, टेंपल तो यार बहुत सुंदर लग रहा है इस टाइम, देखो। तो ये यहाँ ये थाईलैंड की जो राजमाता है, ये हर जगह होती है, तो चलिए अंदर एक्सप्लोर करते हैं।
गाइस मैं एक चीज़ देख रहा था, वो देखो वो जो बीच में गौतम बुद्ध की जो मूर्ति रखी है बहुत सुंदर लग रही है। वैसे तो पूरा टेम्पल बहुत सुंदर है बट ये मूर्ति बहुत अच्छी लग रही है, कोई जेम्स या किसी उससे बनी हुई है जो स्टोन्स होते हैं प्रीशियस। गाइस ये यहाँ इनका वो रखा हुआ शायद जो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, और ये इनके फूल वगैरह हैं जो शायद गौतम बुद्ध को फूल चढ़ते हैं। यार ये सब इनके मॉन्क्स हैं जो मतलब शुरू से इनकी पूजा करते आए हैं, बहुत पुराने लग रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पंडित जी का रूम होता है ना पीछे, ऐसे ही यहाँ पे इनके मॉन्क्स के इधर आश्रम बना हुआ है। इधर ये टेम्पल है पूरा, मतलब बीच में टेम्पल है और चारों तरफ गेस्ट हाउस बना हुआ है। पीछे ये है वाला मेन टेम्पल है जिस जहाँ सबसे पहले हम गए, तो अब नेक्स्ट टेम्पल की तरफ चलते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है, आदत तो है नहीं, ठीक है, हर सेकंड पे हर मोड़ पे इंडिकेटर देके ही मुड़ना पड़ेगा हमें। तो गाइस फाइनली ने स्कूटी में पार्क कर दिया, ठीक है, और ये हम आ गए हैं वाट प्रासंग टेम्पल में। टेम्पल तो ये भी बहुत अच्छा है, वैसे ही चाइनीज आर्किटेक्चर है यार। इन कंट्री एशियन कंट्रीज में चाइनीज का इन्फ्लुएंस और आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा मिलेगा। देखो यहाँ भी सेम वैसा ही है, लुक एट दिस। बट यार बहुत बना बहुत अमेजिंग होता है, सब चाइनीज टेम्पल्स में आपको जो है यही आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा ए टू जी सारा। प्लीज टेक ऑफ योर शूज, हमने ये दिए उतार जूते एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि और शॉर्ट्स में नहीं आना, फुल लेंथ क्लोथ्स में आना, चाहे गर्ल्स हैं बॉयज हैं। दैट्स अमेजिंग यार, वहाँ से स्टार्ट करते हैं यार। ये कभी शुरुआत हुई होगी, कभी इनकी फ़ोटोज़ के माध्यम से इन्होंने दिखाया था, बहुत सुंदर लग रहा है ये बाहर के। ये घंटा तो यार इनमें भी घंटे का इन्फ्लुएंस होता है, मतलब इनमें भी घंटा होता है बजता है, लेकिन बजाते होंगे ये। आई थिंक कभी कई सौ साल पहले कभी यहाँ पे नींव रखी होगी इसकी, तो वो दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये पंडित जी इनके पूजा कर रहे हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर तो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आई थिंक कोई इनका पूजा चल रहा है, वो देखो उधर, तो ये ऐसे पूजा करते हैं। तो आई थिंक इससे आगे नहीं आना, एक आन को बिहाइंड दिस ओके सर। इन भाई सबको भी नहीं पता था, तो फिलहाल इसके आगे नहीं जाते, ठीक है, यहीं बैठ के पूजा करते हैं। वो कोई परिवार आई थिंक वो अपनी पूजा करवा रहा है, और ये सामने गौतम बुद्ध जी बने हुए हैं। गाइस बस यही पूरा टेम्पल है, मैं अभी यहाँ देख रहा था थाई में कुछ लिखा है, और अगर हम चाहें तो आप दान दक्षिण डाल सकते हैं। इधर यार गौतम बुद्ध की मूर्ति और बनी हुई, और ये दो इनके भैया खड़े हुए हैं, लेट्स सी वो क्या बता रहे हैं। ये पुरानी पुरानी मूर्तियाँ आई थिंक जो यहाँ से कभी निकली होंगी, मुझे ऐसी लग रहा है। देखो समझ तो नहीं आ रहा लिखा क्या है, बट पुरानी ही मूर्तियाँ हैं ये एग्जैक्टली, मैं क्या समझ तो नहीं आ रहा। कैन यू टेल अबाउट दिस, कैन यू टेल अबाउट दिस, व्हाट आर दिस, कैन यू टेल। बुद्धा, आई नो गौतम बुद्धा, गौतम एल दिया दे सेमाना। ओके दीज आर वेरी ओल्ड, ओके दे सेमाना दे दे दिया दे दिया। ओके इन डिफरेंट टाइम इट केम आउट ऑफ द ग्राउंड द संडे, ओके Monday, Monday, yeah. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay. तो थैंक यू खापन का आप। तो यार इन्होंने बताया मतलब ये अलग अलग शायद पोस्चर हैं, ठीक है, मंडे को अलग होता है, मंडे सैटरडे ट्यूजडे वेडनेसडे, मतलब अलग अलग दिन अलग अलग इनके पोस्चर होते हैं। तो कुछ ऐसा ऐसा ही मुझे भी समझ आया, और आप लोग भी कुछ ऐसी समझ लो। अगर आपको कुछ ज़्यादा पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सर ऐसा कुछ यहाँ का टेम्पल है, और उधर उधर पार्किंग है। ये इस टेम्पल का जो है मुख्य द्वार है, और यहाँ एक छोटी मोटी सी पार्किंग लगी हुई है इनके गार्डन में, जो कि यार लिटरली बहुत अच्छी लग रही है। ये छोटी सी जो पार्किंग है, राइट, बहुत बढ़िया लग रही है। तो यहाँ पे यार ये चीज़ें मिल रही है, चीज़ें हम देख लेते हैं क्या चीज़ है। कुर्तियाँ मिल रही हैं, और ये पर्स होगी, और ये लंबा सा इनका इट्स काइंड ऑफ ए शॉल मिल रहा है। और आगे हम जाते हैं तो फ्रूट्स मिल रहे हैं। व्हाट इज दिस, मैंगो, ओके ओके थैंक यू। ये रियल, इट्स रियल मैंगो, और इज इट फ्रेश मैंगो, दिस वन, नो नो थैंक यू जस्ट आस्किंग।
तो गाइस यहाँ पे कुछ ऐसा मैंगो मिल रहा है। बाय बाय अपन का आप कितनी छोटी प्यारी सी बच्ची है। बाय गाइस बड़ी प्यारी बच्ची है छोटी सी और यही छोटा सा यहाँ पे गार्डन में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो गाइस ये पीछे वाला यहाँ का एरिया एंड जैसे बुद्धा स्तूपा टाइप नहीं होता, कुछ उसी तरीके का लग रहा है। बहुत बड़ा है बट बहुत सुंदर है। ये पीछे भी अच्छा है, कोई छोटा सा मंदिर है। यहाँ पे कैंडल शैंडलर्स टाइप लगे हुए हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। अच्छा लग रहा है यार, यहाँ हरा भरा पेड़ है ना, तो इस गर्मी में अच्छी शांति मिल रही है। यहाँ पे कुछ ऐसा ये बना हुआ है जैसे वो नहीं खाते चाइनीज टाइप में मारने का टन पिक्चरों में, आवाज़ बिल्कुल वैसे ही आ रही है। तो ये जो है मंदिर का पीछे का एरिया है, यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा लगे हुए हैं, ठीक है, बट अच्छा लग रहा है यार यहाँ आके, क्योंकि इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो ऐसे ही किसी छांव वाली जगह पे बैठने का मन करता है। कुछ ऐसा एरिया है देखिए, तो उस तरफ एक कुछ समझ आ रही है, ये जरूर समझ आ गया वहाँ टॉयलेट है क्योंकि अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो चलिए वापस चलते हैं इधर से, ठीक है। तो पूरा यहाँ पे कैंपस ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पेड़ होता है, आई थिंक यहाँ पे भी है इनका वो आरती वगैरह जलाने का एक यहाँ पे जगह बना हुआ है। ये देखो ये आंटी जी भी अपनी इनकी बच्ची छेड़ रही है और आंटी जी पूजा कर रही हैं। तो कुछ ऐसा सा इनका सीन है यार यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। एक टाइम ज़रूर जब चंकिया में आप आइएगा तो ज़रूर इसका एक्सप्लोर कीजिएगा, अच्छा लग रहा है। ये देखो ये आप दिखा देता हूँ पूरा, पूरी बड़ी स्टैचू है, एक बड़ी एक बड़ी स्टूपा है और एक ये स्टूपा। ये देखो इसमें भी अंदर बुद्धा जी बने हुए हैं। इधर वो मेन टेंपल था यहाँ का, ठीक है। आई थिंक ये कैफे बना हुआ है, शायद कोविड की वजह से यार ये अभी बंद है। अब चलते हैं नेक्स्ट टेंपल की ओर, मिलते हैं आपको वहाँ पर। तो गाइस यहाँ हमने पार्क कर दी अपनी स्कूटी, ठीक है, और हम आ गए नेक्स्ट टेंपल में, वाट ले दी चांग इसका नाम है। एंड यार बट यहाँ पे पता क्या सीन है, जो पार्क मतलब स्कूटी चलाते चलाते हैं ना, बड़ा ही अजीब सा लग रहा है, बिकॉज मतलब ब्रेक पे कंट्रोल रखने का एकदम बिल्कुल, और मतलब यार बिल्कुल इतना ज़्यादा डर सा अजीब सा लग रहा है, कभी चलाई नहीं है ना ऐसे इंटरनेशनल में ड्राइविंग, बहुत ही अजीब सा लग रहा है। तो गाइस ये टेंपल है वाट छे दिल्ली आऊँ, गाइस ये टेंपल है वाट लेडी चौंग। हर टेंपल का जो आर्किटेक्चर है और जो सिग्निफिकेंस है गाइस वो बिल्कुल ही अलग है। एरिया ठीक है जो भगवान जी के आगे जलती है, और इस टेंपल में अब यहाँ अंदर थे, ठीक है, छोटा सा टेंपल है यहाँ से आपके एंट्रेंस है, और यहाँ पे भी एक छोटा सा काइंड ऑफ अ स्टूपा बना हुआ है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट टेंपल्स बनाए गए, ठीक है, जिनका सिग्निफिकेंस सेम है लेकिन आर्किटेक्चर जो है वो भी काफ़ी हद तक सेम है बट कुछ कुछ अलग है। ये पूरा कैंपस है अंदर गाइस, आई थिंक जो मॉन्क्स का कोई प्रेयर या कोई प्रैक्टिस चल रही है क्योंकि आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो अब चलते हैं गाइस वापस हॉस्टल में, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर शाम को हम हॉस्टल में ही और लोगों के साथ जाएंगे नाइट मार्केट यहाँ की एक्सप्लोर करने के लिए। चल लेट्स गो।